महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान भी जल्द ही इसी दिशा में कदम उठाएगा। इसी उद्देश्य से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 अक्टूबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्टेडियम में गौ ध्वज स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर शंकराचार्य, अविमुक्ति शेवर आनंद और गोपाल मणि जैसे प्रमुख संत जयपुर पहुंचेंगे और 1 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति में गौ माता को राज्य माता और फिर राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के 28 विधायकों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, जिसमें हवा महल, बगरू, चाकसू सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विधायक शामिल है। ओटाराम देवासी राज्य मंत्री ने भी इस अभियान की सराहना की है। आगामी 18 तारीख को विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता घोषित करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत सम्मिलित होंगे। उसे ही लेकर आज हमारे साथ प्रकाश दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, क्या आयोजन 18 तारीख को होने वाला है, कौन कौन इसमें आएंगे? वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। सभी सनातनियों को भी आह्वान कर रहे हैं कि 18 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जहां पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पधार रहे हैं, गोपाल मणि जी महाराज पधार रहे हैं और भी अनेकों संत महामंडलेश्वर पधार रहे हैं और अनेक गो भक्त भी आ रहे हैं जो कनक दंडोत देते हुए सांवरिया सेठ से या विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुँच रहे हैं। आप सभी सनातनियों को भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी आएँ और एक इतिहास रचें कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाएं, उससे पहले राजस्थान की राज्य माता बनाएं, क्योंकि पूरे देश में भगवा छाया है, राजस्थान में भजन लाल आया है। तो भजन लाल जी से भी आह्वान करते हैं कि आप जो है महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे माननीय मुख्यमंत्री जी जब गाय माता को वहां राज्य माता घोषित कर सकते हैं, तो अब आपकी भी बारी है कि अब राजस्थान में आप भी 18 अक्टूबर को गाय माता को राज्य माता घोषित करें। इसे गोध्वज स्थापना और धर्म रक्षा के लिए भी ये आयोजन जो किया जा रहा है, तो किस प्रकार से धर्म रक्षा की बात आप कर रहे हैं? जी हम सब संतों का एक संकल्प था, सभी सनातनों का संकल्प था कि हमारे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। अब वो राम आए हैं, पर राम राज्य आया नहीं अभी। राम राज्य तभी संभव है जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे और गाय माता को जो सैकड़ों वर्षों से जो गौ माता जिस पद के लिए वंचित है वो पद उनको मिले, जो राष्ट्र माता बनना है, राजस्थान की राज्य माता बनना है, वो उससे वंचित है। और ये जब तक वंचित रहेगी तब तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूज्य कृपात्री जी महाराज ने कहा कि जब तक गौ माता का रक्त इस भारत भूमि में गिरता रहेगा तब तक आप विश्व की शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो विश्व में अगर शांति चाहते हैं तो गाय गौ माता के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें। हमारे साथ में शंकराचार्य जी के राजस्थान प्रभारी भी मौजूद हैं। सर, जैसे आप राज्य माता, राष्ट्र माता, गौ माता को घोषित करने की मांग इस आयोजन से की जाएगी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गौ माता को काटा जा रहा है, उनके अंगों से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है, उसे लेकर क्या कुछ योजना? नहीं, वो इसीलिए हो रहा है ना कि वहाँ पे कानून नहीं है। जिस प्रकार राजस्थान में कानून बना हुआ है तो यहाँ गाय नहीं काट सकता है, कोई गाय का अपमान नहीं कर सकता। उन राज्यों के अंदर जो कानून है वहाँ की सरकारें ने, जैसे मान लीजिए अपना ये है जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ 370 से पहले वहाँ कानून बना हुआ था, हरि सिंह जी राजा था, उन कानून बना हुआ था कि वहाँ गोत्या नहीं हो सकती, लेकिन जैसे 370 वहाँ खत्म हुई अब वहाँ गाय कटने लग गई। तो कानून जहाँ बन जाएगा, हम चाहते हैं पूरे देश में एक कानून हो, तो फिर गाय गोत्या नहीं हो सकती। इसके लिए शंकराचार्य जी की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं जो आगे भविष्य में हम देखेंगे? शंकराचार्य जी ने अभी दिल्ली के अंदर जो है 2 अगस्त एक ऐसा अभियान चलाया था, उसमें पूरे राजस्थान के सभी 25 जो जिले हैं वहाँ के लिए सभी गौ सांसदों की नियुक्ति की गई है और पूरे राजस्थान में सभी 200 सीटों में गौ विधायकों की नियुक्ति की गई है। वो गौ सांसद और गौ विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए 33 करोड़ गौ मतदाताओं तैयार करेंगे। वो 33 करोड़ गौ मतदाता जो हैं पूरे भारत में वही हमें इस पर विजय दिलाएंगे, ये हमारी संघर्ष योजना है। महाराज जी, अगर देखा जाए तो अभी कई प्रकार के शंकराचार्य जी ने वर्तमान जो केंद्र सरकार है
उनको लेकर भी कुछ आलोचनाएं उनकी करी थी कि जिस चीज को लेकर वो सरकार बनी थी धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे, तो इसे लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अब अगर मोदी जी से अपेक्षा नहीं, जो मोदी 370 हटा सकते हैं, जो मोदी जी राम मंदिर बनवा सकते हैं, तो गायें वाला काम उनके लिए वो दुर्लभ नहीं है, वो चाहे तो हो सकता है। तो अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले खुद कहा था, एक वीडियो उनका, उसमें कह रहे हैं कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, देश के अंदर गायें कट रही है, मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने जो वक्तव्य उन्होंने उस समय दिए थे, उन वक्तव्य को संभालना चाहिए और अपने काम करना चाहिए। हमारे साथ शंकराचार्य जी के राजस्थान प्रभारी और प्रकाश दास जी महाराज, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही राजस्थान में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का भी दर्जा दिया जाए, ताकि गौ माता का जो अपमान भारत देश में हो रहा है वो अपमान ना हो, और गौ माता को वाकई में माता के रूप में पूजा जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।